हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रैम्बो से जो रैम्बो क्लास 6 का है उसका आज हम लोग लेसन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम द हॉनेस्ट फार्मर है। एक्चुअली इसका बिल्कुल हूबहू कॉपी जो है, मतलब इस लेसन के एग्जैक्टली सेम टू सेम की तरह जो है एक और लेसन है, जिस लेसन का नाम द हॉनेस्ट वुड कटर है शायद, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। वो भी क्लास 6 का ही है और वो काफ़ी, मतलब मिलते जुलते काफ़ी हूबहू है। और ये जो है वो थोड़ा सा ओल्ड क्लास 6 का बुक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें काफ़ी इजी ये लेसन है, तो आई होप कि ये सभी जो लेसन है वो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब जितने भी लाइनें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वंस देयर वाज अ फार्मर, एक बार एक किसान था। ही लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहता था। ही वाज वेरी हॉनेस्ट, वो बहुत ही ईमानदार था। वन डे ही वाज कटिंग हिज क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है फसल, विथ हिज सेकल्स, ठीक है, सिल्क है, सॉरी सेकल्स मैंने बोल दिया गलती से, सिल्क मीन्स होता है हंसिया यानी हंसुआ, ठीक ना। तो एक दिन वह अपने खेतों में अपने फसलों को हंसुए से काट रहा था। कटिंग का मतलब होता है काटना। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी, मतलब बहुत गर्मी था। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत ही गर्मी था, गर्मी का दिन था। ही फील थ्रस्टी, तो उसे प्यास महसूस हुआ, ऐसा लगा कि उसे प्यास लगा है। एंड ही वेंट टू, और वह चला गया टू द रिवर, नदी के पास चला गया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए, ठीक है। ही फील थ्रस्टी, उसे प्यास लगा। एंड ही वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, तब जो है वह नदी के पास चला गया पानी पीने के लिए। इट सेकल्स स्लिप्ड, स्लिप्ड का मतलब होता है फिसल जाना, ठीक है। तो उसकी जो हंसुआ थी, वो जो हंसिया था, वो फिसल गया फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से। एंड फेल इन टू द रिवर, और नदी में जा गिरा, ठीक है। फेल का मतलब होता है गिर जाना, और फाल का मतलब होता है गिरना। द फार्मर स्टार्टेड क्राइंग, क्राइंग का मतलब होता है रोना। हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि वीप का मतलब, वीपिंग का मतलब होता है रोना, पर क्राइंग का भी मतलब रोना ही होता है। हालांकि क्राइंग का मतलब चिल्लाना भी होता है, क्राई का मतलब CRY, बट क्राइंग का मतलब रोना भी होता है। फार्मर स्टार्टेड क्राइंग, जो किसान था वो रोना शुरू कर दिया। द रिवर गॉडेस, नदी की देवी, हेयर्ड हिज क्राई, उसकी आवाज़ को सुनती हैं, उसके रोने की आवाज़ को सुनती हैं। याद देखिए, क्राई जो है एक्चुअली इसको प्यूलर में किया गया है, तो ये क्राइस हो गया है। एंड कम आउट ऑफ द वाटर, और पानी से बाहर आ जाती हैं। सी आस्क्ड द फार्मर, और वो किसान से पूछती हैं, किसान जो है उसे पूछती हैं, गॉडेज उससे पूछती हैं कि वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो। द फार्मर सेकल, जो फार्मर है वो कह रहा है, माई सेकल्स हैज फेलन इन टू द रिवर, मेरी जो हंसुआ है वो नदी में गिर चुकी है। नाउ, अब हाउ विल आई कट माई क्रॉप्स, अब मैं अपना फसल कैसे काटूंगा। हाउ विल आई लीव, और मैं कैसे जीऊँगा। यहाँ देखिए, जो किसान था वो कह रहा है कि मैं अब जो मेरी हंसुआ है वो जो है नदी में गिर चुका है, और अब मैं अपनी फसल कैसे काटूंगा, और जो है मैं अब कैसे जीऊंगा, ठीक है। तो अब नदी की देवी उसे क्या कहती हैं, चलिए देखते हैं। एक बात दिमाग में आया मेरे, ये जब इसको बढ़िया से जो है पकड़ नहीं सकता था किसान उस हंसुए को, तो फिर बाहर साइड में रख लेना चाहिए था, बेचारा गिर गया ना हंसुआ पानी में। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको नदी की देवी मिल गई हैं, दिखाई दे रही हैं। आप सभी लोग सबसे पहले इन्हें प्रणाम कर लीजिए, हम भी प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जलमाता, जल माता जी हैं। तो चलिए अब आगे से यहाँ पर देखते हैं। द रिवर गॉडेज, नदी की देवी, वेंट इन टू द वाटर, पानी में चली जाती हैं। एंड कम आउट, और बाहर आती हैं विथ अ गोल्ड सेकल, एक सोने के हंसुए के साथ। बताइए, किसान इतना ईमानदार है कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर के नदी की देवी बाहर आ गई। और हम लोग कभी कभी रोते हैं तो नदी के देवता भी बाहर नहीं आते हैं, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। तो नदी की जो देवी हैं वो वहाँ पर बाहर आ जाती हैं सोने के हंसुए के साथ, और गॉडेस कहती हैं, इज दिस योर सेकल, क्या यह तुम्हारा जो हंसुआ है, हंसिया है, क्या तुम्हारा ये हंसुआ है किसान।
तो जो किसान है वो कहता है नो नो, ओहो इसको कहना चाहिए था हाँ हाँ ये मेरा है, पर बेचारा कहा कि नो नो ये मेरा नहीं है, दिस इज गोल्ड गोल्ड सिकल। देखिए पहचान भी लिया कि ये तो सोने का सिकल है यानी हंसुआ है। तो दिस इज गोल्ड सिकल, ये सोने का हंसुआ है। माई सिकल इज मेड ऑफ आयरन, मेरा जो सोने का हंसुआ मेरा जो हंसुआ है वो लोहे का बना हुआ है। तब क्या होता है, द रिवर गॉडेस नदी की देवी वेंट इन टू द वाटर अगेन, पानी में फिर दोबारा चली जाती हैं। सी कम आउट विथ अ सिल्वर सिकल, और तब वह फिर चांदी के हंसुए के साथ बाहर आती हैं। अब बताइए नदी की देवी को भी किसान ने जब बताया कि भाई हमारा जो हमारा हंसुआ है वो लोहे का बना हुआ है, तो फिर भी ये चांदी का लेकर चली आई। चलिए आगे देखते हैं। अब जब बाहर आ ही जाती हैं तो फिर पूछती हैं इज दिस योर, का इतहार हो सॉरी क्या ये तुम्हारा है। तो जो फार्मर है वो कहता है नो नो दिस इज अ सिल्वर सिकल, यह जो है वो चांदी का हंसुआ है। माई सिकल इज मेड ऑफ आयरन, मेरा जो हंसुआ है मेरा जो हंसिया है वो एक्चुअली लोहे का बना हुआ है। फिर किसान यही बात कहता है कि मेरा जो हंसुआ है वो जो है लोहे का बना हुआ है, आप जाइए फिर से और जो है उसको ढूंढ कर लाइए। यहाँ देखिए अब उसके बाद क्या होता है, द रिवर गॉडेस नदी की देवी वेंट इन टू द वाटर अगेन, लिखना भूल गया, नदी की देवी फिर से पानी में जाती हैं। सी कम आउट विथ एन आयरन सिकल, तब वो जो है एक लोहे के हंसुए के साथ बाहर आती हैं गॉडेस। फिर से वो पूछती हैं इज दिस योर, क्या ये तुम्हारा है। तो फार्मर कहता है हाँ हाँ ये हमरे है, दिस इज माइन। किसान कहता है कि हाँ हाँ दिस इज माइन, यह मेरा है। गॉड इज यू आर वेरी हॉनेस्ट, अरे वाह नदी की देवी क्या कह रही है, तू बहुत ईमानदार बड़ा। आई एम वेरी हैप्पी, और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आई विल रिवार्ड यू, हम तारा के एकरा खातिर इनाम देम फॉर योर हॉनेस्टी, हम तारा ईमानदारी खातिर इनाम देम। सी गेव ऑल द थ्रीज, ठीक है वो उसे तीनों दे देती हैं, तीनों हंसुआ दे देती हैं, गोल्ड सिल्वर एंड आयरन सिकल्स टू द फार्मर, ठीक है वो उसे सोने का चांदी का और लोहे का तीनों जो है हंसुआ किसान को दे देती हैं। द फार्मर बिकम वेरी हैप्पी, अब किसान बड़ा खुश हो जाता है। तो आई होप कि ये जो हॉनेस्ट फार्मर वाला जो लेसन था जो क्लास सिक्स का था वो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपके एक एक कमेंट से हमें कितना ऊर्जा मिलता है ये आप लोग को हम बता नहीं सकते हैं, और आपकी जो कमेंट होती है वो हमारे लिए बहुत ही लकी होती है कि हम उस कमेंट पर जो है आप लोग कुछ रिप्लाई कर पाते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो बुरा लगता है तो आप बेशक हमें कमेंट करें, किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक हो तो आप हमें बताएं, हम उस मिस्टेक को दूर करने की अथासक प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और किसी भी तरह की कोई भी सुझाव हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।